तो इस सरकार ने सब्सिडी देना ही बंद कर दिया। तो ये क्या है, ये धोखा है, आम जनता को गुमराह करने का ये यहाँ प्रश्न बनता है कि आपने कहा सब्सिडी देंगे, पैसा आपने पूरा लिया और उसके बाद सब्सिडी देना बंद कर दिया, ये क्या है, ये धोखा है, धोखा नहीं है तो क्या है? सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को इस सरकार ने किया तो जो चाय की जो दुकान है उन दुकानदारों का, कि जैसे कि बिना सरसों के तेल के आम जनता के घरों में राशन भोजन नहीं बन सकता, तड़का नहीं लग सकता। हाँ, मैं मानूंगा कि भाई हमारा संगठन कमज़ोर रहा है, लेकिन फिलहाल में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुआ है कि हम आएंगे तो पटरौना का चीनी मिल चलेगा, और पूरे 7 साल यानी 2 बार उनको जो है जनता ने जिम्मेदारी दी और उसके बावजूद भी न चला हो तो सवाल तो बनता है, सवाल तो हम पूछेंगे उनसे। और उत्तर प्रदेश की जो चीनी मिलें हैं वो कांग्रेस गवर्नमेंट में काफ़ी सफल रही हैं, तो अगर बिजली के तार खम्भे दौड़ा दिए जाए गाँव नगरों में और तार से उस घर को न जोड़ा जाए तो क्या उनके बल्ब जल जाएंगे? तो फ्री में कहाँ दिया आपने, 400 का गैस सिलेंडर का कनेक्शन फ्री में आपने दिया और कनेक्शन देने के बाद उससे बिना सब्सिडी का 1,000 रुपया असूला, और तब तक असूला जब तक उसकी कनेक्शन का रेट आपने उससे नहीं ले लिया, तो फ्री का कहाँ हुआ? अनुराग, और आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। सरकार में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी यदि सत्ता की होती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। विपक्ष जो आम जनता की आवाज़ बनता है, विपक्ष जो आम जनता की तकलीफ़ों को सरकार तक पहुंचाता है, सरकार से कहता है। ऐसे में जहां हम देखें कि केंद्र में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 वर्षों से है, तो ठीक उसके पहले सबसे ज़्यादा बार केंद्र में जिसकी सरकार रही है उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी केंद्र में सबसे ज़्यादा बार रही है। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे जिनसे, वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जनपद कुशीनगर के विधानसभा क्षेत्र फाजिलनगर से ये बिलोंग करते हैं, और ढेर सारी बातें करेंगे इनसे, जानेंगे। सीधे बात करते हैं मनोज कुमार सिंह जी, स्वागत सर का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप विपक्ष में हैं, क्या वाकई में आपको लगता है कि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, कांग्रेस को जो मजबूती से निभानी चाहिए, वो विपक्ष में निभा रही है? बिल्कुल निभा रही है। अगर आप देखेंगे तो अगर कहीं किसी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठी तो कांग्रेस की तरफ से उठी। फाजिलनगर विधानसभा की आप देखें तो तमाम तरीके की समस्याओं पर अगर किसी ने आवाज़ बुलंद किया, आंदोलन किया और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया, आम जनता की आवाज़ को उठाया, तो कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस सर इस समय तो विपक्ष में है, पहले आप सत्ता पक्ष में भी रहे हैं। जब विकास और तमाम सारे ऐसे मुद्दों की बात आती है तो आप सरकार से सवाल उठाते हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि जब आपकी सरकार इतने वर्षों तक केंद्र में भी रही है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार रही है सत्ता की आपकी, तो ये विकास के कौन से अनछुए पहलू छूट गए जिसके वजह से आप लगातार सरकार या भारतीय जनता पार्टी पे सवाल करते हैं? जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट 32 सालों से नहीं है। एक ज़माना गुजर गया 3 दशक से, अगर किसी स्टेट में सरकार न हो तो एक बड़ा गैप है। और इन 32 सालों में उत्तर प्रदेश में 4 बार सपा ने, 4 बार बहुजन और 5वीं बार भाजपा ने सरकार बनाई है। तो ये जो 32 साल का जो समय है और 4-4 बार 5-5 बार जिनको सत्ता मिली, तो सवाल तो उन्हीं से होंगे कि भाई आपने सत्ता लेने के बाद उत्तर प्रदेश का विकास क्यों नहीं किया? आज भी हमारा क्षेत्र जो है पिछड़ेपन का शिकार है, आम जनता परेशान है। बीच में रोकना चाहूँगा कि आपने बताया कि सपा, बसपा और भाजपा तीनों की सरकार रही है 4-4, 5-5 बार, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो विकास की जो मॉडल पीछे छूट गया है उसके लिए सबसे जिम्मेदार कौन है? एक तरीके से देखा जाए तो सभी लोगों ने बराबर, तीनों पार्टियों ने बराबर की जो है भागीदारी निभाई है इन 32 सालों में। जिम्मेदार कौन है? और अगर देखा जाए, मैंने वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अभी चल रही है सरकार में। इन्होंने किसी भी तरह का ऐसा कोई काम यहाँ नहीं किया जिससे आम जनता को सुविधाएँ मिल सकें, रोजगार से लोग जुड़ सकें। मैं बताना चाहूँगा, अभी आपने बात किया कांग्रेस ने क्या किया, जितना भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जितना भी आप यहाँ पे बुनियादी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, सब कांग्रेस का बनाया हुआ है। जैसे बुनियादी व्यवस्थाओं में गिनाना चाहूँगा कि यहाँ का बिजली हाउस कांग्रेस ने बनाया, यहाँ का चिकित्सालय कांग्रेस ने बनाया, स्कूल कॉलेज कांग्रेस ने बनाया, यहाँ अमवा में एक कोल्ड स्टोरेज है कांग्रेस ने बनाया, नहरों का जो आप देख रहे हैं वो नहरें कांग्रेस ने बनाई, सड़कें जो देख रहे हैं वो कांग्रेस ने बनाई, लोगों को रोजगार उस समय उपलब्ध कराने के लिए जो भी हो सकते हैं क्षेत्र में, जैसे कि बकरी फार्म कांग्रेस ने दिया, रेशम फार्म कांग्रेस ने दिया, और जो सरकारी महकमे के जो स्ट्रक्चर हैं वो सब कांग्रेस गवर्नमेंट में बने हुए हैं। तो उसको डेवलप करना चाहिए था, 32 साल का समय बहुत होता है, लेकिन इन तीन पार्टियों ने जो सरकार बनाई यहाँ पर, उन लोगों ने उसको डेवलपमेंट तक नहीं कर पाए, उसका चूना पोताई तक नहीं करा पाए,
तो मैं देखूंगा इस लिहाज से कि उनसे सवाल होना चाहिए और आम जनता इस पर समझ भी रही है और हम विपक्ष में हैं तो हमारी जो भूमिका होनी चाहिए उसको हम बड़ी ही एक कहा जाए दिल से तो उसको निभा रहे हैं। पिछले चुनाव में आपकी सरकार ने जो है सपा के साथ गठबंधन किया, तो क्या लगता है कि सपा के जो साथ गठबंधन किया उसके वजह से भी आपकी पार्टी की छवि को नुकसान पहुँचा? देखिए कभी कभी होता क्या है कि गठबंधन को जनता स्वीकार नहीं करती है, जनता के ऊपर डिपेंड करता है इन सब चीज़ों का, तो उसमें देखा जाए तो कोई बहुत लाभ नहीं दिखा। तो अभी क्या है कि वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं, जो स्थिति चल रही है, वो सीधे महंगाई का है। आम जनता महंगाई बेरोजगारी से जूझ रही है और जो वर्तमान सरकार है उस सरकार को जनता ने महंगाई को कम करने के लिए लाया, क्योंकि इन लोगों ने जो घोषणा की थी उस घोषणा से लोगों को उम्मीद जगी थी कि हो सकता है कि इनके आने से महंगाई कम हो, लेकिन जैसे इनकी सरकार बनी तैसे तैसे एक सहने सहने कहा जाए तो महंगाई बढ़ती चली गई और आज स्थिति यह है कि 100 रुपया में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है। ऐसे हालात में आम जनता उबी हुई है, थकी हुई है, परेशान है और अभी जो आलम चल रहा है वो बदलाव का है और लोगों में एक बदलाव की जो है जो कहा जाए। सरकार भी जो विभिन्न राज्यों में है, 4-5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, आप जब सवाल करते हैं तो ये एक बात ध्यान में आती है कि स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट टैक्स ले रही है तो चाहे तो स्टेट टैक्स कम करके उन राज्यों में पेट्रोल कम कर सकती है दाम उसके। देखिए जो पेट्रोल डीजल की बात है, गैस सिलेंडर की बात है, जो महंगाई जो चरम पर चल रही है उसका जो अर्थशास्त्र है जो देश का, नहीं नहीं मेरा सीधा सवाल, मैं बहुत सामान्य से बात करूंगा, जैसे आम जनता को समझाने के लिए कि जो है ये आम जनता तो ये जानती है कि टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेती है, तो आपकी सरकार जहाँ स्टेट गवर्नमेंट में है वो चाहे तो वो टैक्स कम कर सकती है। ये जो आप कह रहे हैं स्टेट का मामला, जो स्टेट के मामले हैं वो लोग कहीं ना कहीं कानून से बंधे हुए हैं, उनकी एक व्यवस्थाएँ हैं कि हमको कितना तक इस पर टैक्स लेना होगा, केंद्र सरकार से निर्धारित व्यवस्थाओं के तहत उनको काम करना होता है, तो इस आशय से ऐसा होना हमको संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। लेकिन अगर केंद्र सरकार जिसके जिम्मे पूरे भारत की व्यवस्था है, जैसे गैस जो पेट्रोलियम है वो केंद्र व्यवस्था के अधीन आती है, वो स्टेट गवर्नमेंट का मामला नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी जुड़ा हुआ मामला है, तो ये केंद्र गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से आम जनता को राहत पहुँचाते हुए इसके दाम को कम करेंगी। तो जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ तो केंद्र गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसके रेट को गिरा सकती है, इसलिए कि जो टैक्स वसूला जा रहा है डीजल पेट्रोल पर वर्तमान सरकार के द्वारा वो ज़्यादा है, ज़्यादा इस आशय से कि अभी 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल हो चुके हैं, डीजल 95 से ऊपर हो चुके हैं। रसोई गैस का जो आंकड़ा मैं अभी आपको बताऊं कि सरकार ने उनसे कहा था कि 400 के रसोई गैस को अगर आप पूरी सब्सिडी के साथ पैसा जमा करते हैं तो एक सब्सिडी आपके खाते में पहुंचा दी जाएगी। आम जनता को लगा कि इससे हमारे पॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा पैसा देंगे हमारे खाते में आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे लोग अपना देना शुरू किए, लोगों को एक हैबिट और आदत पड़ गई, तो इस सरकार ने सब्सिडी देना ही बंद कर दिया। तो ये क्या है, ये धोखा है, आम जनता को गुमराह करने का ये यहाँ प्रश्न बनता है कि आपने कहा सब्सिडी देंगे, पैसा आपने पूरा लिया और उसके बाद सब्सिडी देना बंद कर दिया, ये क्या है, ये धोखा है, धोखा नहीं है तो क्या है, आपको गुमराह करने का मामला है। और रही बात अन्य चीज़ों की, जैसे अभी क्या है कि चाय वाले पर बड़ी चर्चा हुई, सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को इस सरकार ने किया तो जो चाय की जो दुकान है उन दुकानदारों का। बेसिक बात मैं करूँगा, मैं क्षेत्र से ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और हमारे क्षेत्र के पिछड़ेपन का जो हास मतलब कि आलम है वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। हमारे चाय के दुकानदार हुए, भुजा बेचने वाले हमारे भाई हुए, तो कागज़ जो फाड़ कर बेचते हैं, जो कागज़ आपको पकौड़ी मिलता है या भुजा मिलता है, वो इवन 12 रुपया किलो था रद्दी पेपर कहा जाए, आज के डेट में वो 50 रुपया किलो बिक रहा है। कितना गुना बढ़ा, 4 से 5 गुना महंगाई बढ़ी, तो इससे एक अतिरिक्त लोड पड़ा हमारे उन छोटे दुकानदारों पर, हमारे उन चाय वाले भाइयों पर, भुजा बेचने वाले भाइयों पर। ये महंगाई कहाँ से आई, ये महंगाई कहीं ना कहीं भारत का अर्थ गणित बिगड़ा हुआ है, उनके अर्थशास्त्री यहाँ फेलोर हो रहे हैं कि आम जनता तक राहत पहुँचाने में वो लोग कहीं ना कहीं अक्षम हैं, जिसका खामियाजा हमारे क्षेत्र के लोगों को भोगना पड़ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जैसे कि बिना सरसों के तेल के आम जनता के घरों में राशन भोजन नहीं बन सकता, तड़का नहीं लग सकता, अचानक से 70 रुपया में बिकने वाला सरसों का तेल 200 रुपया लीटर हो जाता है, इस पर भी सरकार फेल है। अब मैं उन लोगों की तरह बेतुका बयान नहीं दे सकता जैसे उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, भाजपा के मंत्री बयान दे रहे हैं कि 95% लोग डीजल पेट्रोल यूज नहीं करते, 95% लोगों को डीजल से मतलब नहीं, तो
जरा हमको बताएं कि भारत में जो भी सामान ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं तो क्या वह पानी डाल के चलाती हैं गाड़ियां या डीजल डाल के चलाते हैं? तो अगर डीजल डाल के चलता है तो आम आदमी उसका डीजल भले खरीदता हो ना खरीदता हो, लेकिन उसका वो पैसा उसको जुड़ा हुआ है, उसका पैसा मांगना पड़ेगा। तो इस तरह के बेतुके बयान जो अभी वर्तमान के जो सरकार है उनके मंत्री दे रहे हैं, तो उस पर जो है मैं उनका खंडन करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि उन लोगों ने किस प्रकार से आम जनता को गुमराह करने का काम किया। अभी क्या है कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जैसे मजदूर हो गए, गरीब लोग हो गए, किसान हो गए, इनके किसानी में बेतहाशा इंस्ट्रूमेंट में खर्चा, खाद बीज में खर्चा, डीजल में खर्चा, सिंचाई में खर्चा, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट है उसकी कीमत में बढ़ोतरी सरकार द्वारा न होना उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर बना रहा है। तमाम मसले हैं। चूँकि मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, फाजीनगर विधानसभा हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में तमाम ऐसे विषय हैं, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको हम लोगों ने उठाया भी। मुख्य रूप से मैं कुशीनगर की बात करूँगा। कुशीनगर जनपद की मैं जो 7 विधानसभाएं हैं, सभी विधानसभा में तमाम सारे अलग अन्य दल के लोग समय समय पर रहे हैं। वर्तमान में भाजपा सरकार है। 2009 से 14 की बात करें तो कुशीनगर संसदीय क्षेत्र से जो है आरपीएन सिंह जो है सांसद चुने जाते हैं कुशीनगर के, और केंद्र में जो है वो मंत्री पद भी पाते हैं। तीन महत्वपूर्ण मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री और गृह राज्य मंत्री। सवाल ये बनता है कि इतने बड़े महत्वपूर्ण पद होने के बावजूद जिस स्तर का विकास मॉडल जनता सोच रही थी उस स्तर का विकास मॉडल दिखा नहीं कुशीनगर में? देखिए, बड़े काम हुए मैं गिनाना चाहूँगा कि पड़रौना से निकलने वाली सभी सड़कें चौड़ी हुई, मजबूती के साथ उभर कर सामने आया, यातायात की व्यवस्थाएं बढ़ी, डीजल पेट्रोल और पेट्रोलियम जैसे गैस, रसोई गैस की बड़ी किल्लत थी और यहाँ पे पेट्रोल पंप की बड़ी कमी थी, और गैस सिलेंडर का जो एजेंसी होता है वो भी बहुत कम थी, लेकिन उनके समय में बहुत तेज़ी के साथ हर चौराहों तक सुविधा पहुँचाने के लिए गैस एजेंसियाँ खुली, पेट्रोल पम्प खुले जिससे आम जनता को राहत मिल सके। तो तमाम इस तरह के मजबूत काम हुए उनके शासनकाल में, उनके समय में, जिससे कुशीनगर का विकास हुआ। बात संगठन की करेंगे, आपका संगठन जो है जनपद कुशीनगर सहित उत्तर प्रदेश में काफ़ी विगत कुछ वर्षों पहले, इस बात को आप एक्सेप्ट करेंगे कि काफ़ी कमज़ोर था, क्योंकि संगठनात्मक तरीके से देखा जाए तो जितने स्तर की मजबूत पार्टी आपकी है केंद्र में, प्रदेश में उस स्तर का संगठन आपका नहीं बन पाया, इस बात को आप एग्री करते हैं? संगठन का कमज़ोर होना और उसका ग्रोथ करना समय समय की बात है। अभी इस बात को आप मानते हैं? हाँ, मैं मानूंगा कि भाई हमारा संगठन कमज़ोर रहा है, लेकिन फिलहाल में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुआ है, काफ़ी तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस की विचारधारा इसकी जो है जिम्मेदारी कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को जाती है। देखिए, कुछ चीज़ें प्रचार प्रसार पर डिपेंड करती हैं, प्रचार प्रसार का एक लोगों पर एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, प्रचार प्रसार नहीं रहा जिसके वजह से लोगों तक कांग्रेस की नीतियाँ नहीं पहुँच पाई, कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्य लोगों तक नहीं पहुँच पाए, और विपक्षी दलों ने प्रचार प्रसार लोगों को गुमराह करने का जो थ्योरी अपनाया उसके वजह से नुकसान हुआ। तो अभी हम अपनी नीतियों को जनता तक के बीच ले जाने का काम कर रहे हैं, और बड़ी तेज़ी के साथ कांग्रेस से लोग जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों से लोग जुड़ रहे हैं, और जो काम कांग्रेस ने किया, जो जनता को राहत पहुँचाने की संस्थाएँ स्थापित की, उन संस्थानों के बारे में आम जनता को बताने का हम काम कर रहे हैं, जिससे लोगों को सच्चाई पता चल रही है और कांग्रेस से बहुत तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं, हमारा संगठन मजबूत हो रहा है। चीनी का हब माना था कुशीनगर को, यहाँ पे शुगर फैक्ट्री काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी समय से बंद पड़ी हैं। आपकी सरकार 2014 के पहले तो थी केंद्र में, दो बार रही है लगातार, दस वर्षों से लगातार मनमोहन सिंह की सरकार थी, पहले वन पहले टू। उन 10 वर्षों में कुशीनगर के जो बंद चीनी मिल थे उस पर कोई काम नहीं हुआ, और आप आज बीजेपी से सवाल करते हैं, तो क्या नहीं लगता है कि ये सवाल आपके ऊपर भी बनता था? सवाल बीजेपी से क्यों ना हो, जब आदरणीय मोदी जी पड़रौना अपनी रैली में संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात का जिम्मा लिया कि हम आएंगे तो पड़रौना का चीनी मिल चलेगा, और पूरे 7 साल यानी 2 बार उनको जो है जनता ने जिम्मेदारी दी और उसके बावजूद भी न चला हो, तो सवाल तो बनता है, सवाल तो हम पूछेंगे उनसे। और उत्तर प्रदेश की जो चीनी मिलें हैं वो कांग्रेस गवर्नमेंट में काफ़ी सफल रही हैं। उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही उस ज़माने में चीनी मिलें यहाँ काफ़ी डेवलप रहीं, लोगों को एक नकदी फसल हमारे यहाँ कहा जाता है गन्ना, उससे लोगों को लाभ हुआ,
लाभ हुआ, लेकिन जैसे क्षेत्रीय पार्टियां या फिर भाजपा जो सरकार में 32 सालों तक रहीं, उन लोगों ने चीनी मिलों का जो है सत्यानाश कर दिया, तमाम चीनी मिलें बंद हो गई। तो जो चीनी मिलें खड़ी थी वो तो कांग्रेस गवर्नमेंट में खड़ी थी, यानी कि उसको उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के पास वो नीति थी, वो विजन था। बीजेपी कहती है 156 योजनाएं हमारी सरकार में लगी हुई हैं, चल रही हैं, जो जनता तक सीधे पहुंच रही है, उसमें सड़क है, बिजली है, उज्ज्वला योजना है, आवास है, शौचालय है। देखिए प्रचार, अभी मैंने कहा कि प्रचार एक ऐसा हथियार है जिससे आम जनता को उन पार्टियों ने गुमराह किया। सच्चाई धरातल पर क्या है ये आपको देखना चाहिए, उस पर आपको कवर भी करना चाहिए। मैं अपना निजी सलाह आपको दूंगा, कवर करें। क्या है कि जो एक बुनियादी बात करूंगा आपसे, वैसे हम कवर करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लेकिन मैं आपको एक बुनियादी बात बताऊं कि नहरें और नहरों से खेत को जोड़ने वाली चकनालियाँ कांग्रेस ने बनाई, लेकिन आप जाकर एक बार खेत खलिहान का भ्रमण करें, कृषि से जुड़ा हुआ हमारा क्षेत्र है, वो चकनालियाँ आप नहीं पाएंगे। तो अगर बिजली के तार खम्भे दौड़ा दिए जाएं गांव नगरों में और तार से उस घर को न जोड़ा जाए तो क्या उनके बल्ब जल जाएंगे? तो जब नहरें हैं, चकनालियाँ थीं और चकनाली खेत और नहर के बीच की कड़ी है, अब वो गायब हो गई। क्यों गायब हो गई, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। वो इसलिए गायब हो गई कि जब नहर से पानी खेतों तक नहीं पहुँचेगा तो हमारा किसान मजबूर होकर पंपिंग सेट खरीदेगा, बोरिंग खरीदेगा, डीजल खरीदेगा, उपभोक्ता बनेगा उन कंपनियों के सामानों का, और आज वही हो रहा है जिसके वजह से हमारे यहाँ के किसानों की कृषि महंगी हो गई है। तो ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ये बुनियादी सुविधा देने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, और इन लोगों ने उसको आज तक दुरुस्त नहीं किया। जो कांग्रेस गवर्नमेंट में बना था उसको भी इन लोगों ने भरवा दिया, ये प्रश्न है, ये मुद्दा है। तो कहाँ इन लोगों ने योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाया, कौन सी योजना को पहुंचाया? सिर्फ कस्टमर बनाया, सिर्फ कस्टमर उस योजना का, जिस उज्ज्वला योजना का आप नाम रख रहे हैं, वो कस्टमर बनाया गया कि जब हम कस्टमर बन जाएंगे तो हम पैसा देना शुरू करेंगे। फ्री का नाम लिया गया कि हम गैस फ्री में दे रहे हैं, तो फ्री में कहाँ दिया आपने? 400 का गैस सिलेंडर का कनेक्शन फ्री में आपने दिया, और कनेक्शन देने के बाद उससे बिना सब्सिडी का 1,000 रुपया असूला, और तब तक असूला जब तक उसकी कनेक्शन का रेट आपने उससे नहीं ले लिया, तो फ्री का कहाँ हुआ? ये तो गुमराह करने वाली बात है। किस्त पर कहिए कि हमने किस्त पर दिया, लोन पर दिया, लेकिन आप उसका नाम फ्री रखे हैं, बड़ा फ्री। अभी क्या है कि कोरोना वैक्सीन लग रहा है और बड़े बड़े बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि धन्यवाद मोदी जी, अब फ्री में आपने वैक्सीन लगाया। कांग्रेस गवर्नमेंट में तमाम बीमारियां इस देश में आई जिसका वैक्सीनेशन पूरे देश में कांग्रेस ने कराया। पोलियो का ड्राप आप लंबे समय से देख रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में घर घर पिलाया जाता है, लेकिन कहीं कांग्रेस ने बोर्ड नहीं लगाया कि धन्यवाद कांग्रेस या धन्यवाद मनमोहन सिंह जी, कहीं नहीं लिखा, या कहीं नहीं लिखा कि फ्री में हम पिला रहे हैं। कैसा फ्री होता है? ये देश जनता का है, जनता की हुकूमत है, लोकतंत्र है, जनता के धन से देश चलता है। तो जनता के ऊपर अगर हम कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं, सरकार के थ्रू हो रहा है, तो फ्री कहाँ से हुआ, जरा हमको बता दीजिए। फ्री होता है क्या? कहीं कुछ फ्री नहीं होता है। तो ये जो तगमा वो ले रहे हैं सरासर गलत है, जनता को गुमराह करने वाला है, सीधा सीधा कंपनी के माफिक प्रचार है और कुछ नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थे हमारे साथ कुशीनगर जनपद के विधानसभा फाजिलगढ़ से कांग्रेस नेता मनोज सिंह।